नमस्कार। नमस्कार सर। और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं लगातार प्रारंभ से जो वक्ता थे उनके व्याख्यान और जो दो हमारे विद्वान अध्यक्ष थे उनके वक्तव्य भी मैंने सुने और बहुत अच्छा लगा। मेरा काम कुछ सरल हो गया कि बहुत सारी बातें जो पहले से ही स्पष्ट हो गई। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद और जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण, एक प्रासंगिक विषय इस वेबिनार के लिए चुना। और आजकल हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और ऐसे अवसर पर दूर दराज में बैठे हुए विद्वानों से, मित्रों से बातचीत हो जाती है, उनके वक्तव्य सुनने को मिलते हैं, तो हम बहुत आभारी हैं। और सम्माननीय भाई प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी और प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, और जो इस कार्यक्रम का संयोजन संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी, डॉक्टर बलजीत श्रीवास्तव जिन्होंने प्रारंभ में अपना वक्तव्य दिया, और डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी और डॉक्टर राजेश पांडे जी, जो बहुत अच्छे सारगर्भित वक्तव्य हमें सुनने को मिले। तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। वास्तव में इस गोष्ठी का एक प्रयोजन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम विचार करें, क्योंकि इधर पिछले 2.5-3 महीनों में जो कुछ दुनिया में घट रहा है, जो चुनौतियां हम सबके सामने हैं, उन सबको ध्यान में रखकर कि क्या विचार करें कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी गुप्त जी जब ये बात कहते हैं, आओ बैठो विचारें ये समस्याएं सभी, तो जो भारत भारती है वो भारत के कल, वर्तमान और आज आने वाले कल, इन तीनों का अंतर भी करती है। और जो ह्रास हुआ है मूल्यों का, जो शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति और प्रेम के क्षेत्र में, इन सबको उन्होंने लिया। और जो सांस्कृतिक मूल्य थे हमारे, जो उन मूल्यों पर गौरव करने की एक परंपरा थी हमारी, अतीत के प्रति, भारतीय अतीत के प्रति जो गौरव करने का, उसके प्रति एक स्वाभिमान का भाव जो रचनाकारों में रहता था, वो न जाने क्यों इधर कुछ गायब हो गया, विलुप्त हो गया। और जिस शिक्षा संस्कृति को हम निर्मित कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ी खतरनाक शिक्षा पद्धति भी है, क्योंकि इच्छा, ज्ञान और कर्म, इन तीनों का जो समन्वय अपेक्षित, आवश्यक है, वो विलुप्त प्राय दिख रहा है। इच्छा जीवित है तो ज्ञान की आकांक्षा नहीं है, और ज्ञान की आकांक्षा है तो कर्म की इच्छा नहीं, काम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं विरासत में मिल जाए। लेकिन एक यही व्यवसाय, एक यही क्षेत्र, एक यही अनुशासन ऐसा है कि जो बिना साधना के नहीं मिलता। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। अब ये एक मूल्य है कि विद्या प्राप्त करनी है, पिता का धन तो मिल जाएगा, व्यवसाय तो मिल जाएगा, फैक्ट्री, गाड़ी सब मिल जाएगा विरासत में, लेकिन पिता का ज्ञान तो नहीं मिलेगा, उसके लिए श्रम करना पड़ेगा। लेकिन आज पिता के पास ज्ञान है या नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते और ज्ञान को हमने व्यावसायिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, रोजगार के अवसरों की दृष्टि से व्याख्यायित कर दिया, तो शिक्षा की जो मूल भावना है वो खत्म हो गई, वो नहीं रही। और ये संकट का समय है, हमें देखना पड़ेगा कि हम जो हमारे जो पारंपरिक, जो ये कहा जाता है कि संस्कृति जो है वो दिशा दर्शक, मार्गदर्शक ज्योतिपुंज है, और हमने शिक्षा को, अब हम बार बार कहते तो हैं जब संकट आते हैं, जब हम देखते हैं कि चोरी, डकैती, लूट, रेप, बलात्कार, ये सारी चीजें जब हम देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो वैल्यू बेस्ड ही थी, लेकिन ये जो मैकाले की शिक्षा नीति थी और भाषा नीति थी, और ये जो आईएएस
कल्चर थी इसने हमारी शिक्षा के रूप स्वरूप को बदल दिया। कहा यह जाता है कि जो भाषा है वो संस्कृति की वाहिका है, और ये देश तो बड़ा सौभाग्यशाली है कि बहुत सारी भाषाएं हैं, तो कितनी सारी संस्कृतियों का समेकित सम्मिश्रण यहाँ पर मिलता है। लेकिन हमने अपनी किसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया। अब अंग्रेजी दा मानसिकता, अंग्रेजी दा संस्कृति, इससे शिक्षा को जोड़कर देखते रहे, चाहे वो पारंपरिक शिक्षा हो, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, वैज्ञानिक शिक्षा हो। और फिर शिक्षा के तो बहुत रूप अब आ गए, हमने उसे शिक्षा मान लिया। पता नहीं ये जो उपाधि केंद्रित शिक्षा है ये शिक्षा है कि नहीं है, मुझे थोड़ा संशय है कि हम डिग्रियां बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हम लोगों को अपने विद्यार्थियों को इन उपाधियों से जब हम विभूषित कर रहे हैं तो उन्हें पैसा कमाने की एक मशीन बना रहे हैं। धनार्जन कैसे करना है, मूल्य की चिंता नहीं करनी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई हुक एंड बाई क्रो, कैसे भी किसी भी तरह आपको पैसा कमाना आना चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह हो गया, जो कि वास्तव में बहुत गलत व्याख्या हुई। हमने योग को भुला दिया, अब फिर से योग की शिक्षा, योग की उपादेयता, इसको हम याद कर रहे हैं। ये जो 2-3 महीने का समय है इसे बहुत कुछ याद करा दिया, जो कुछ हम भूल गए थे, जो कुछ हमसे छूट गया था, जो हमारी जीवनचर्या के हिस्सा थे लेकिन हमने उनको हाशिए पर डाल दिया था, क्योंकि हमारे पास अत्यधिक व्यस्तताएं थी, समय नहीं था। तो अध्यात्म को हमने बुला दिया, वो शिक्षा का हिस्सा था, आध्यात्मिक मूल्य हमें पता होने चाहिए। हमने भक्ति को बुला दिया, हमने पुराण और उपनिषदों को बुला दिया, हमने गीता और रामायण को बुला दिया। और दुर्भाग्य क्या हुआ कि इन सारी जो ज्ञान संपदा की विरासत है इन सबको हमने केवल संस्कृत के अध्येताओं से जोड़कर छोड़ दिया। ये संस्कृत वाले पढ़ेंगे बस, बाकी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम विचार कर रहे हैं आजकल कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को कुछ समय के लिए ये जो सीमा सुरक्षा की या मिलिट्री की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके लिए अनिवार्य है। तो भाई सबके लिए ये जो हमारे पुरा कथाएं हैं, पुरा साहित्य हैं, पुरा चरित्र हैं, इनकी जानकारी क्यों नहीं? हमारे बच्चों को तो पता ही नहीं कि भागीरथ थे कौन। हमारे घरों में और विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में बच्चों को ये नहीं पता कि भागीरथ कौन थे और उन्होंने क्या किया, कि पतंजलि कौन थे और उनका क्या अवदान था। और इसी तरह बहुत सारे हमारे जो चरित्र हैं उन सबको हमने बुला दिया। मित्रों ये बड़ी दुखद स्थिति है हम सबके लिए कि हमने सार्वभौमिकता से साहित्य और शिक्षा को सेल्फ सेंटर्ड कर दिया, आत्म केंद्रित कर दिया। और आत्म केंद्रित भी क्या सोचकर कि इससे रोजी रोटी मिलनी चाहिए, इसलिए वो डिग्री लो जिससे नौकरी जल्दी मिले, व्यवसाय में कुछ लाभ हो, MBA कर लो और उसके बाद फिर झूठ बोलने की मशीन बन जाए, उल्लू बनाने की मशीन बन जाए। कैसे कंपनी के लिए काम करना है, उसके लिए किसी को धोखा देना है, प्रवंचना करनी है, छल करना है, कपट करना है, वो दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, वो पार्ट ऑफ बिजनेस हो गया। तो ये जो स्थितियां हैं कि हमने तमाम ऐसे नीतिकारों को, विदुर नीति हमने बुला दी, कालिदास को हमने बुला दिया, भावभूति को हमने बुला दिया, उनको हमने संस्कृत तक, संस्कृत के अध्येताओं तक, बाणभट्ट कौन थे, भर्तृहरि कौन थे, नीति शतक क्या था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो एक परंपरा शुरू हुई और कभी कभी मुझे लगता है कि इसके दुष्परिणाम बहुत दूर तक हमें दिखाई दे रहे हैं। कबीर ने जब ये कहा था, कबीरा संस्कृत खूब जल, भाषा बहता नहीं, कि जो संस्कृत है वो विश्व की भाषाओं की जननी है, असंख्य भाषाओं की स्रोतस्विनी है। उसी संस्कृत को हमने कर्म कांड से जोड़कर, एक विशिष्ट वर्ग से जोड़कर, एक कुएं का जल बनाकर छोड़ दिया। ठीक उसी तरह जैसे हमने अपने इस पुरा साहित्य को, इस पौराणिक
आख्यानों को जो हमारे टॉर्च लाइट थे उनको छोड़ दिया। अब दिक्कत यह है कि हम बात कर रहे हैं साहित्य शिक्षा संस्कृति इनको मिलाकर, तो कभी कभी मुझे लगता है कि शिक्षा के जो अर्थ है वो तो बड़े व्यापक थे। अब व्यापकता पहले से बड़ी है लेकिन उसके जो आयाम है वो बदल गए हैं। ये पाश्चात्यकरण की दृष्टि से, ये लॉर्ड मैकाले की दृष्टि से, हमने उसको विदेशियों की शिक्षा से जोड़ा, हमने उसे भाषा विज्ञान की शिक्षा से जोड़ा, हमने उसे क्रिएटिव राइटिंग की शिक्षा से जोड़ा, हमने उसे मीडिया की शिक्षा से जोड़ दिया, हमने उसे रेडियो और टीवी राइटिंग सिखा दिया, हमने उसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये तमाम तरह के डायमेंशन या आयाम या वर्गीकरण कर डाले। लेकिन इनमें सब जगह अगर कुछ चीज गायब है, विलुप्त है, तो वो है नैतिक शिक्षा, वो है मूल्यों की शिक्षा, वो है संस्कृति की विरासत की शिक्षा, वो सब इनसे दूर है। पत्रकारिता की जो नैतिकता होनी चाहिए वो कहाँ है? एक शिक्षक का जो धर्म निर्वाह होना चाहिए वह कहाँ है? एक डॉक्टर की जो सामाजिक भूमिका होनी चाहिए वह कहाँ है? जो शपथ दिलाई जाती है नौकरी में जाने से पहले, उस शपथ का अनुपालन कोई नहीं करता। तो इसका मतलब हम जब तक शिक्षा और संस्कृति का चोली दामन का साथ है, जब तक हम उन दोनों को मिलाकर नहीं देखेंगे, और साहित्य में इन मूल्यों की जो आख्यान या पुनर्व्याख्या बार बार समय समय पर होती है, उनको याद नहीं करेंगे, उनको विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इस चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे। हम लोहे की मशीन बना रहे हैं, हम पैसा कमाने की जिसको हम एटीएम कहते हैं वो मशीन बना रहे हैं। ये बड़ी बड़ी लोहे और सीमेंट की बिल्डिंगों में संवेदना शून्य एक केवल आदमी तैयार कर रहे हैं, इंसान तैयार नहीं कर रहे। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले समय में हम देख सकेंगे। शिक्षा को सर्वांगीण विकास से जोड़ा गया था, हमारी जो गुरुकुल शिक्षा थी जिसकी बात बलजीत जी ने की, वो सर्वांगीण विकास, उसमें मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, उसमें शारीरिक विकास, उसमें दर्शन का विकास, भारतीय संस्कृति के गौरवशाली अतीत का की जानकारी, ये सब था, वो सब भुला दिया। अब तो हम रटंतु विद्यार्थी पैदा कर रहे हैं। और मुझे जब वक्तव्य दोनों सभी लोगों के चल रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि हमने साधना जीवी विद्यार्थियों को साधन जीवी बना दिया। किसी के पास टेक्सचुअल मटेरियल नहीं है, संदर्भ ग्रंथ नहीं है, लाइब्रेरी जाने की आदत नहीं है, घर में किताब संचय का अभ्यास नहीं है। अब तो मोबाइल पर उतना ही पोर्शन फोटोकॉपी करके फोटो खींच कर क्लास में बच्चे आ जाते हैं, टीचर पढ़ाता है और वो मोबाइल खोल कर बैठ जाता है। मानसिकता है, मुझे लगता है चिंता का विषय है, मानसिक विकास, सामाजिक, समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है, ये हमारी शिक्षा का हिस्सा था। हमें सामाजिक मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में, सार्वभौमिकता को ध्यान में रखकर, सबके हित को ध्यान में रखकर क्या काम कर सकते हैं, इसकी चिंता हमें करनी होती थी, हमारी एजुकेशन में इसकी बात होती थी। लेकिन मित्रों, मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा दूर चले गए, और ऐसे में संदर्भ तो बहुत है और बहुत सारे संदर्भों की बात करने का समय नहीं है, ये मैं जानता हूं कि लंबा समय हो गया। हमने मानव को मानव नहीं बनाया, एक बड़ी समस्या शिक्षा की हो गई, जबकि हमारी संस्कृति कहती है कि पहले मानव धर्म सिखाओ, किसी की मदद करनी है, किसी के लिए उपस्थित होना है, सहायता करनी है। लेकिन हमने ईर्ष्यालु शिक्षा पैदा की, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये मानसिकता बना दी हमने। तो ये जो उसके घर के आगे एक बड़ी एम्पाला कार खड़ी है, मेरे घर के आगे क्यों नहीं खड़ी है? ये जो वैल्यूज थे, जो हमारे मूल्य थे, जो संस्कृति के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, शिक्षा जो है वो संस्कृति का निर्माण भी करती है, विकास भी करती है, और
उन सबको हमने धीरे 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 जो लोक से, लोक कल्याण से, जो जीवन शैली से जोड़ने की बात थी वो सब विस्मृत हो गई। हमने आत्मबल, हम जल्दी जल्दी घबरा जाते हैं, अभी ये जो कोरोना का संकट है हम सब भयभीत हो गए, 2 महीने तो ऐसा लगा जैसे सांप सूंघ गया। तो हमारा जो आत्मबल था कि हम इस चुनौती से लड़ सकते हैं वो हमने भुला दिया, हमने आत्मविश्वास खो दिया, स्वाभिमान खो दिया। क्यों स्वाभिमान खो दिया? कि आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि चाइना ने एक नया मोबाइल इंट्रोड्यूस किया है। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट का, उत्पाद का बहिष्कार करेंगे, उसमें पता लगा कि 24 घंटे में जितने प्रोडक्ट वो आए थे पीसेस वो सब ऑनलाइन सेल हो गए, इंडिया में सेल हो गए। देशभक्ति की जो शिक्षा है, राष्ट्रीय चेतना की जो शिक्षा है वो गायब हो गई। अरे इतना बड़ा संकट पूरी दुनिया चाइना के कारण देख रही है, सामना कर रही है, लेकिन हम नहीं सीख रहे। हमारे घरों में कितनी विडंबना है कि दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी चाइना से आएंगे, होली पर रंग जो है वो चाइना से बनकर आए, और लाइट जो है लड़िया वो चाइना से बनकर आए। तो क्या हो गया हमें? हमने अपने आत्मनिर्भरता के मूलभूत सूत्र को विस्मृत कर दिया। ये जो उदारीकरण है, ये जो भूमंडलीकरण है, हमारी संस्कृति नहीं है भूमंडलीकरण की। क्यों? क्योंकि भूमंडलीकरण का मूल तो धन केंद्रित संस्कृति का विकास है, धनार्जन की संस्कृति का विकास है। ये भूमंडलीकरण वैश्वीकरण का मूल मंत्र है। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, वो पूरी वसुधा को एक मानव समुदाय मानकर चलती है। किसी का अहित ना हो, मैं किसी का अच्छा कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन मेरे से किसी का बुरा ना हो, ये वैल्यूज हमने साहित्य से, संस्कृति से न जाने कहां निकाल दी। आज का साहित्यकार बड़ी दुखद स्थिति है। मैं सबको तो एक ही वर्ग में नहीं रख सकता, लेकिन बड़ी संख्या में, प्रचुर मात्रा में जो साहित्य मिल रहा है उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है, उसमें अनैतिक विवाहेतर संबंधों को परोसा जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे जो सांस्कृतिक राष्ट्र नायक हैं, देश की अस्मिता की पहचान जिनसे होती है, पूरा चरित्र पूरा पात्र है, हम उनको भी मिथकों से जोड़कर नए नए आधुनिक संदर्भों में उनकी छवि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। नाटक देख लो, एकांकी देख लो, औपन्यासिक रचनाएं देख लो, कहानियां देख लो, ऐसा लग रहा है जैसे नवीनता के, मौलिकता के नाम पर कुछ भी करना। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बहुत सारे शिक्षा संस्थानों में वाक स्वातंत्र के नाम पर कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, देश के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध, ये बड़ी विचित्र सी स्थितियां बन गई हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम संतोष धैर्य देते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, अपनी पहुंच बिसार के कारज कीजिए, दौड़ कर वो काम कीजिए जो आपकी पहुंच में है, लेकिन हमने उससे बाहर निकलकर न जाने क्या क्या मंसूबे बना लिए, और हम भूल गए जो हमारी नैतिक शिक्षा है, जो हमारी धार्मिक शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है। पानी केरा बुदबुदा मानुष की जात, आदमी की औकात है क्या? पानी का बुलबुला ही तो है। लगता है 100 वर्ष मिले, नहीं पता कितने मिले, अगले क्षण की खबर नहीं, सामान 100 बरस का, खबर अगले क्षण की नहीं। इस कोरोना में हम सब आक्रांत हैं, भयभीत हैं, जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी कितनी चुनौतियां आई। तो ये जो आदमी की, मनुष्य की जो अस्मिता है, जो प्रकृति को चैलेंज कर रहा है, हमने मानवीय कलोन बना लिया, हम आदमी भी हम बनाने लगे, लेकिन एक झटके में सब कुछ प्रकृति ठीक कर गई। हर 100 साल बाद लगभग एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आ रही है, एक बड़ा वैज्ञानिक संकट आ रहा है। ये जो तमाम तरह के प्लेग का, फ्लू का, ये कोरोना का 1718 और 20 में, 1820 में, 1920 में और अब 2020 में, हर 100 साल के बाद प्रकृति अपने को बैलेंस करती है, संतुलित करती है, और हम प्रकृति के क्षेत्र में
अतिक्रमण कर रहे हैं, एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो जब हम प्रकृति को स्पेस नहीं देंगे उसका, तो वह यही करेगी जो वो कर रही है, और मनुष्य को इससे सीखना पड़ेगा, अपनी सीमाएं कम करनी पड़ेगी और याद रखना पड़ेगा। बार बार कवियों ने, लेखकों ने, चाहे वो बात गद्यकारों की हो, नाटक लिखने वालों की हो, उपन्यास लिखने वालों की हो या कविता लिखने वालों की हो, हिंदी की बात करें, पंजाबी की बात करें, मराठी और गुजराती की बात करें या भारतीय भाषाओं के साहित्य की बात करें, सबने सचेत किया, संतों ने बार बार जागरूक किया, लेकिन हमने उनको अनदेखा कर दिया। मुझे याद आ रहा है कि जब केशव विरचित रामचंद्रिका में राम अंगद को भेजते हैं हनुमान के पास, तो एक शिक्षक की भूमिका में भेजते हैं कि भाई मैं नहीं, राम का मानना है कि मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो, विध्वंस हो, जान माल का नुकसान हो, दोनों तरफ से बहुत लोग मरेंगे। तो राम तो भक्तवत्सल है, उदार है, दयालु है, इसलिए अंगद को कहते हैं कि जाओ उस जड़बुद्धि को कोशिश करो कि सिखा सके। अंगद जाते हैं, सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं। विशेष रूप से वो जो अंगद रावण संवाद है उसको याद करें, तो मुझे उसका एक छंद बहुत बढ़िया मिला और मुझे लगा कि मैं वो आप सबके समक्ष रखूंगा। एक गीत हमने फिल्म में सुना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। भूल गए हम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े नौकर चाकर सब धरे रह जाते हैं। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, अंतिम समय आता है, तो कटु सत्य है, संतों ने कहा, बोध कराया कि भैया जिसको तुम अपना आत्मीय अभिन्न अद्वैत मानते हो, वही मृत्यु के बाद कहता है भाई इसे निकालो बाहर, ये किसी काम का नहीं है, ये तो बेकार शरीर है। वह शरीर जो अभी तक जीवित था कितना काम का था, और अब जैसी वो निर्जीव हुआ, ले जाओ इसका दाह संस्कार करो। पुत्र जिसकी आकांक्षा, जिसकी कामना पिता करता है, मां करती है, वही दाह संस्कार करता है, जला देता है। शमशान घाट में अकेले रात को अंधेरे में भूत प्रेतों में छोड़कर आ जाता है, वहां कोई बैठता है? कोई नहीं बैठता, हो गया रिश्ता खत्म। तो किसे हमने मोह पालकर रिश्तों की वास्तविकता को हमने क्या अर्थ छटाएं दे दी। तो क्या कहा अंगद ने रावण को कि हाथी न साथी, न घोरे न चेरे, न गांव न ठाऊ कुठाऊ विलई। किस किस भ्रम में रावण को कहा कि ये समुद्र चारों तरफ और बीच में लंका, तू अराजक हो गया, तुझ पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, कोई पहुंच नहीं सकता, यही सोचकर तो रावण ने किया। और रावण का दम, रावण का अहंकार कि भगवान शिव से कैसे कैसे वरदान ले लिए, शिव तांडव की रचना करके भगवान को खुश कर लिया आदि आदि। तो अंगद कहते हैं कि भाई मत भूलो, हाथी न साथी, न घोरे न चेरे, न गाँव न ठाऊ कुठाऊ बिलई, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय, कहूं संग रही, कोई साथ नहीं जाएगा, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त, ऐसा नती है स्त्री, कहूं संग रही, कोई साथ नहीं जाएगा, भ्रम है। केशव काम के राम बिसारत, अंगद कहते हैं, केशव कह रहे हैं कि अंगद ने कहा कि जो काम की चीज है, कौन है, इस पूरी सृष्टि का नियंता, इस सृष्टि का सृजक, हमने ईश्वर को बुला दिया, उसकी सत्ता को चैलेंज कर दिया, जो काम उसके थे उन पर हम अपना अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं, हमने नदियां खराब कर दी, हमने पर्वत खराब कर दिए, हमने झरने खराब कर दिए, हमने प्रकृति खराब कर दी, औषधियां खराब कर दी, जड़ी बूटियों का, तो हम प्रकृति के संसाधनों का शोषण करने पर आ गए, दोहन पर नहीं रहे। अरे दोहन करने के लिए तो भगवान ने दिया ही है, जितनी जरूरत है उतना ले लो, चंदन मन की भीलनी चंदन देते जराए, अति परिचय होते, बहुत अधिक जब हो जाता है ना, सुविधाएं हो जाती हैं, उपलब्धताएं हो जाती हैं, तो लगता है कि हम तो निरंकुश हो गए, जो चाहे जैसा चाहे जब चाहे कर ले।
तो केशव काम के राम विसारत और निकाम रे काम नाही है। अंगद कह रहे हैं कि बाकी सब निष्काम है, काम के तो केवल राम है और उसी को तू भुला कर बैठा है। चेती रे चेती अजोचित अंतर, अभी भी मनुष्य को कि अभी भी चेतने का समय है, जागने का समय है, समझने का समय है। चेती रे चेत अजोचित अंतर, अंतक लोक अकेले ही जाएंगे। वो जो फाइनल कॉल आएगी ना, अंतिम यात्रा महाप्रयाण, वो तो अकेले करना है। लेकिन हम भूल गए, हमने ऐसे तमाम संदेशों को बुला दिया, ऐसी तमाम मान्यताओं को हमने बुला दिया। और जब विपदा पड़ी, आपदा पड़ी, तो भगवान को याद किया। कबीर ने चेताया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। हम सब इतने उत्तर आधुनिक बन गए, इतने ड्यूअल दोहरी मानसिकता के बन गए, कई कई चेहरे लगा लिए हमने। मंच पर खड़े होकर तो हम भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म, भारतीय भक्ति, इसके विरोध में बोलते हैं। लेकिन घर में श्राद्ध भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है, ये जो निहित स्वार्थ केंद्रित जीवन शैली है, इसने हमारी युवा पीढ़ी को भी पथभ्रष्ट कर दिया। क्योंकि शिक्षा संस्थानों में इस तरह की ट्रेनिंग चलती है, प्रशिक्षण चलते हैं। वहां आपको किसी विचारधारा विशेष से जोड़कर उनके अनुसरण की शिक्षा प्रशिक्षा दी जाती है। तो ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि हम सबको ये सोचना पड़ेगा। और वो जो अभी मैं कह रहा था पानी केरा बुदबुदा, एक बड़ा बढ़िया दोहा बिहारी ने लिखा, जम करी मुंह तरी हरि परयो ई धरि हरि चित लाओ। हे मनुष्य, यमराज रूपी करी माने हाथी, हाथी के मुख के नीचे तू पड़ा है, यानी तेरे ऊपर यमराज रूपी हाथी मुख खोले तैनात है, तैयार बैठा है। जम करी मुंह तरी हरि परयो ई धरि हरि चित लाओ, विषय तृषा परिहर अजो नर हरि के गुण गाओ। ये जो विषय वासना है, ये जो राग द्वेष है, ये जो ईर्ष्या है, ये जो लिप्सा है, ये जो धनार्जन की उत्कट यानी ऐसी ऐसी लिप्सा जिस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा, सुबह से रात तक पैसा कमाने के लिए भाग रहे, परिवार के लिए समय नहीं है, बच्चों के साथ संबंध इतवार के हो गए, संडे को मिलते हैं माता पिता से बच्चे, क्योंकि समय नहीं है। रोजगार में, काम में, बिजनेस में, सुबह निकले रात को आए, आने के बाद 10-11 बजे, और महानगरों की जीवन शैली तो और भी विकट है। बच्चे सोए हुए मिलते हैं जब माता पिता घर आते हैं, और सुबह सोए हुए मिलते हैं जब चले जाते हैं, या बच्चे चले जाते हैं अपने स्कूल कॉलेज और काम पर तो माता पिता सोए मिलते हैं, दोनों ही स्थितियां होती। तो ये किस तरह का रिश्ता हमने बना लिया। और जब तक हम अपनी सांस्कृतिक विरासत में, मूल्यों में, आध्यात्मिक चिंतन में अपने को निमग्न नहीं करेंगे, उनको समझेंगे नहीं, तो जम करी मुंह तरी हरि परयो ई धरि हरि चित लाओ, विषय तृषा परिहर अजो नरहरी। नरहरी क्यों कहा? कि जो हाथी है उसे मारने की शक्ति तो केवल सिंह में है, हरि माने सिंह और नर माने मनुष्य। तो नरसिंह भगवान का जो अवतार है उसको याद किया। हमारे सभी मध्यकालीन प्राचीन बहुत से बड़े बड़े जो कवि, जयशंकर प्रसाद को आप पढ़िए, कामायनी को पढ़िए, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त आदि नाटकों को पढ़िए, उन्होंने हमारे पूरा चरित्रों को, पूरा आख्यानों को, इन सबको साहित्य की एक श्रृंखला में पिरो कर हमारे सामने प्रस्तुत किया। नरसिंह का अवतार क्यों लिया? भक्तवत्सल थे भगवान, प्रहलाद की रक्षा के लिए, तो हिरण्यकश्यप का वध करना था, जिसके पास सारे वरदान थे, उस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया।
हम भूल गए कि पैसा अंतिम सत्य नहीं है। इसीलिए मध्यकाल का कवि कहता है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाव न रह देगा। ये पैसा तो हाथ की मैल आता जाता रहता है और हम दम्भ से अहंकार से भर जाते हैं। कनक कनकते सो गुना मादकता अधिकाय, कोई खाए बोराए जग की पाए बोराए। ये तो हाथ में सोना आ गया, गले में सोना आ गया तो अहंकार हो गया, पता नहीं वो क्या हो गया। तो चंचल जल दिन चार को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान, जियत जग में यश लीजे, मीठे वचन सुनाए बिना सभी की कीजे। अरे मीठे वचन बोलने चाहिए, अब नहीं है। हर समय मनुष्य आक्रोश में, क्रोध में, तनाव में, कुंठा में, संत्रास में, और वही साहित्य की वस्तु बन गई। विघटन, क्या बात है, विघटन जो है वो शिक्षा का विषय हो गया। तो ये तमाम तरह की बातें हमें आत्म अवलोकन करने की ओर प्रेरित कर रही है। हमें सोचना पड़ेगा, जो गुरु जी ने कहा हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी अभी कहां जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा। तो मित्रों, बार बार हमने देखा कि हमारे जो जो भक्ति ग्रंथ हैं, योग के ग्रंथ हैं, धर्म के ग्रंथ हैं, शास्त्र के ग्रंथ हैं, चिकित्सा शास्त्र के, खगोल शास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र के, धर्म शास्त्र के, नीति शास्त्र के, इन सबको हमने संस्कृत में संस्कृत वालों के लिए, एलीट क्लास के लिए छोड़ दिया। क्यों इनको विज्ञान के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया जाता, क्यों इनको टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। हम तो जब शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी है तो मानसिकता तो अंग्रेजी ही बनाई जाएगी, ये संकट है। इसलिए मित्रों, आज इधर की रचनाओं में आप देखिए, आधुनिक युग में भी बहुत सी पुरा कथाओं में पुरा चरित्रों को ध्यान में रखकर रचनाएं लिखी गई, पर आजादी के बाद का जो परिदृश्य बदला, हमने दिखाया कि साहब आजाद होने के बाद युवा मनुष्य के स्वप्न टूट गए, बिखर गए, इसलिए उसे संघर्ष करना है। लेकिन हमने संघर्ष की सकारात्मक राह उज्जवल नहीं की। हमारे बच्चे आज गुरु शंकराचार्य को अब नहीं जानते, कहीं कहीं दर्शन आदि में चर्चा प्रसंग से हो जाए तो बात अलग है। छत्रपति शिवाजी, चाणक्य, पतंजलि, महर्षि पाणिनि, वशिष्ठ, वेदव्यास, तुलसी, वाल्मीकि, भास्कराचार्य, और यहां तक के अब तो ये भला हो कोरोना का के रामायण और कृष्ण और ये पूरा साहित्य चाणक्य आदि ये फिर से टेलीविजन पर आ गए। तो चाहे कैसे भी राम राम कान में भी गया तो कम से कम सुन लिया, लेकिन पता ही नहीं था, इन कथाओं का नहीं पता था। सीता को राम को वनवास क्यों हुआ, सीता का हरण कैसे हुआ, ये सब हमारी नई पीढ़ी को नहीं पता। इसी तरह इंद्र के बारे में, लक्ष्मी और गणेश के बारे में, अग्निदेव, वरुण देव, वायु देव, इनके बारे में भी हमें नहीं पता। हमने नहीं बताया बच्चों को कि चिंता करने से काम नहीं होगा, उद्यम करने से होगा। लेकिन हम हमारी शिक्षा तो यह भी है कि यदि उद्यम का फल न मिले तो निराश नहीं होना। क्यों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उद्यम करते हैं लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषुकदाचन, तुलसी ने यही तो कहा कि आपके हाथ में इच्छा है, कर्म है, लेकिन कर्म का फल उसका अधिकार आपके पास नहीं है। इसलिए ये शिक्षा भी गायब हो गई। हमारी जो जीवनी शक्ति है, जिजीविषा है, वो अब संशयग्रस्त हो गई, दुविधाओं में पड़ गई। बच्चे नौकरी नहीं मिलती, सेटल नहीं होते, आत्मनिर्भर नहीं हो पाते तो आत्महत्या कर लेते। उनको बताना पड़ेगा कि हर बार हर उद्यम का फल नहीं मिलता। बहुत बार कुआं खोदते पानी नहीं निकलता, पर दूसरी जगह खोदते,
फिर तीसरी जगह खोदते हैं, तो कहा कि ये उद्यम की है जो विधि ही प्रतिकूल। जैसे उपजे खेत को शलभ करे निर्मूल, शलभ माने टिड्डी दल, ये टिड्डी दल ने भी हिला दिया, इतनी आपदाएं आई, अम्बान भूकंप आ गया, तूफान, अभी समुद्री तूफान आ गया, टिड्डी दल आ गया, कोरोना आ गया, इधर चाइना ने हम सबकी नाक में दम कर रखा है बॉर्डर पर, हमारी सीमाओं पर, पाकिस्तान तो तंग कर ही रहा है, आतंकवाद भी तंग कर रहा है, कितनी चुनौतियां हैं देश के सामने। सर थोड़ा समय बढ़ रहा है। हाँ हाँ कितना समय है बताओ। सर 7 बज गए। कितना समय है? सर 7 बज गए। अच्छा 7 बज गए, एक घंटा मेरे हाथ में नहीं है 7 बजे ना। मैं करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ जी। तो अब दिक्कत क्या है कि भाग रहे हैं पैसे के पीछे और स्वार्थी बन गए, साई सब संसार में मतलब को व्यापार, सब सेल्फ सेंटर्ड हो गए और सोना लेने पी गए, सोना कर गए देश। देखिए अभी जो प्रवासी लोग हैं, जो मजदूरों को हमने देखा अपने अपने नगर शहर छोड़कर, घर छोड़कर, बच्चे छोड़कर दूसरे नगरों में पैसा कमाने जाते हैं, उनकी क्या दुर्दशा हुई हमने देखा। सोना लेने पी गए, सोना कर गए देश, और सोना मिले ना पी मिले, रूपा है गए केस, माल भी सफेद हो गए, जीवन निकल गया, लेकिन ना सोना मिला ना पिया, तब बेचारी जो पत्नी है, घर की मालकिन है, वो इंतजार करती रह गई। ऐसी अनेक प्रसंग है जिनकी चर्चा कर सकते हैं। मोती लेने पी गए, खार समुद्र तीर, कई समुद्र पार करके मोती लेने गए, मोती मिले ना पिए फिरे, नैनन टपकत नहीं, पति हाथ से चला गया। ये जो तमाम तरह की स्थितियां हैं, ये हमें हमारे मूल्यों की ओर, हमारी मूलभूत शिक्षा की ओर ले जाने का संकेत करती हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है और बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। मैं तो अभ्यस्त हूँ 1-1.5 घंटे तक बोलने का, लेकिन मैं जानता हूँ समय 7 बजने वाले हैं और सब लोग अब अपने घर गृहस्थी के कामों में भी निमग्न होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यही विराम देता हूँ आप सबके प्रति।